हम लोग को इसमें कम से कम 35-40 मिनट तो चाहिए। कल कल तो कोई बात नहीं, 5 मिनट के टाइम दीजिए। 5 मिनट है कभी मन पूरा करो तो ठीक है, गा लीजिए। आइए प्रभु जी, आइए पाँच मिनट समय दे दीजिए। देना पड़ेगा। अब भगवान राम की जय श्री कृष्ण। आगे आइए ना प्रभु जी, आइए आगे आइए। और भक्त लोग आएंगे तो कहाँ बैठेंगे, फिर आगे मोबाइल ये नहीं। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare.
हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 और प्रेम ठीक है प्रभु जी यार 8 बजे आइएगा तो अच्छा से मतलब कीर्तन होगा हम लोग भागवत के पाठ भी होगा। ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजन शलाकया ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः श्री चैतन्य मनोविष्टं स्थापितं येन भूतले स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मयि स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं ददाति स्वपदान्तिकं वंशाकल्पतरुभ्यश्च वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 हरे कृष्ण तो प्रभु जी हम सब सुन रहे हैं श्रीमद् भागवतम स्कंद 2 और अध्याय 8। तो जो परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न कर रहे हैं और वही सारा प्रश्न हम सब क्या कर रहे हैं अभी सुन रहे हैं। प्रभु जा रहे हो लोग ऐसे ही बैठे तो यहाँ तक कह दिए हैं कि ये जो भी लोकों का रचना है और जो भी सब वस्तु है आप विराट पुरुष में ही सब कहे हैं और बताए हैं तो ये किस प्रकार से है सारे लोक और लोकपाल विराट पुरुष के ही अंग स्वरूप हैं अंग हैं तो वो किस प्रकार से हैं ये हमको अच्छे से बताइए। महाकल्प और उनके अंतर्गत अवांतर कल्प कितने हैं भूत भविष्य और वर्तमान काल का अनुमान किस प्रकार किया जाता है कह रहे हैं कि जो महाकल्प है इसके अंतर्गत जो और भी कल्प है वो किस प्रकार से है और भूत काल जो पहले बीत गया है जो चल रहा है और वर्तमान काल जो आने वाला है इसका अनुमान किस प्रकार से किया जाता है ये परीक्षित महाराज सुखदेव जी से प्रश्न कर रहे हैं।
क्या असुल देहाभिमानी जीवों की आयु भी बढ़ी हुई है? कह रहे हैं कि जो अस्थूल देह में ये बधा हुआ है जीव, इसका क्या उम्र भी बधा हुआ है, ये प्रश्न कर रहे हैं। तो जो भी देहधारी जीव हैं, ये पांच तत्वों से मिलकर के बने हुए हैं। ब्राह्मण श्रेष्ठ, काल की सूक्ष्म गति त्रुटि आदि और अस्थूल गति वर्ष आदि किस प्रकार से जानी जाती है? कह रहे हैं कि ब्राह्मण श्रेष्ठ, ये जो काल का सूक्ष्म गति है, ये समय दिखाई नहीं देता है, लेकिन किस वेग से निकल जाता है इसका कुछ मालूम नहीं पड़ता है। तो कह रहे हैं कि ये किस प्रकार से निकलता है, और जो इसका सूक्ष्म गति है जो नहीं दिखाई देता है वो, और जो दिखाई देता है वो, ये किस प्रकार से जानी जाती है, ये भी हमको बताइए। ये सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न कर रहे हैं। और वर्ष किस प्रकार से जानी जाती है? विविध कर्मों से जीवों की कितनी और कैसी गति होती है? कह रहे हैं कि जो विभिन्न प्रकार के जितने भी जीव हैं, अपना अपना कर्म करते हैं, उनकी गति किस प्रकार से होती है, उनकी, उन जीवों की गति किस प्रकार से होती है उनके कर्मों के हिसाब से। देव मनुष्य आदि योनिया सत्य सत्व रज तम इन तीन गुणों के फल स्वरूप ही प्राप्त होती हैं। और कह रहे हैं कि ये जो देवता का शरीर है और मनुष्य का, ये तीन गुण से मिलकर के प्राप्त होता है जो भी देह शरीर धारण करता है। तो कह रहे हैं कि सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये तीन गुणों से वो प्राप्त होती है। उनको चाहने वाले जीवों में से कौन कौन किस योनि को प्राप्त करने के लिए किस किस प्रकार से कौन कौन कर्म स्वीकार करते हैं? और कह रहे हैं कि ये जो भी कर्म किया जाता है उसको किस किस कर्म से क्या क्या शरीर मिलता है, और कौन कौन सा वो लोग अपना कर्म स्वीकार करते हैं, इसके बारे में भी बताइए। तो ये सब जितना भी बताया जाएगा, सब ये सृष्टि से लेकर के और जितने भी इसमें जीव हैं, जो मनुष्य है, पशु पक्षी है, जल में रहने वाला है, हवा में उड़ने वाला है, ये सब के बारे में वो बताएंगे। पृथ्वी, पाताल, दिशा, आकाश, ग्रह, नक्षत्र, पर्वत, नदी, समुद्र, द्वीप और उनमें रहने वाले जीवों की उत्पत्ति कैसे होती है? कह रहे हैं कि जो पृथ्वी पर रहता है वो जीव का, जो पाताल में रहता है उसका, और जो सारे दिशाओं में और आकाश में, और ये जो ग्रह नक्षत्र है या पर्वत नदी है, समुद्र है, द्वीप है, ये सब जगह जीव है। तो ये सब जगह पे जीव की उत्पत्ति कैसे होती है? क्योंकि हम सब सोचते हैं कि हम तो पृथ्वी पर आ रहे हैं तो ऊपर जीव नहीं है, लेकिन ऊपर भी जीव है, ये पृथ्वी के नीचे भी क्या है, जीव है। तो पृथ्वी से सात तल ऊपर और सात तल नीचे भी जीव है। तो ऐसे शास्त्रों में बताया जाता है कि जो सूर्य है, वो सूर्य एक ब्रह्मांड है, तो उसमें भी जीव है, लेकिन कैसा जीव का क्या शरीर है, अग्निमय शरीर है जीव का। जिस प्रकार से हम सब का मिट्टीमय शरीर है, उसी प्रकार के से जो सूर्य लोक में रहते हैं जीव, उनका भी कैसा शरीर है, अग्निमय शरीर है, लेकिन हम लोग ये समझ नहीं सकते हैं। ब्रह्मांड का परिमाण भीतर और बाहर दोनों प्रकार से बताइए। और कह रहे हैं कि ये जो ब्रह्मांड है, इसका माप अंदर से भी बताइए और बाहर से भी बताइए। तो भागवतम में कुछ भी छूटता नहीं है, सब कुछ का वर्णन हम सबको सुनने के लिए मिलता है। साथ ही महापुरुषों के चरित्र, वर्णाश्रम के भेद और उनके धर्म का निरूपण कीजिए। कह रहे हैं कि इसके साथ साथ जो महापुरुष हैं, उनका चरित्र कैसे होता है ये बताइए, और वो वर्णाश्रम धर्म के बारे में बताइए, वर्णाश्रम धर्म क्या है और इसका भेद क्या है, और धर्म का निरूपण कीजिए, वास्तव में धर्म क्या है, वास्तव में धर्म क्या है। तो धर्म को भगवत गीता में बताया गया है और भागवतम में कि धर्मम तम साक्षात भगवत प्रणीतम, धर्म वही है जो भगवान ने बोला है,
और भगवान क्या बोले हैं, तो भगवत गीता बोले हैं। तो भगवत गीता ही क्या है, धर्म है। इसीलिए बताया जाता है कि हम सबको अपने जीवन में एक बार भगवत गीता का अध्ययन कर लेना चाहिए। और भगवत गीता का जब दो बार अध्ययन हो जाए तब श्रीमद् भागवत का अध्ययन करना चाहिए, तो ही भागवत समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आता है। तो इस प्रकार से युगों के भेद, उनके परिमाण और उनके अलग अलग धर्म और भगवान के विभिन्न अवतारों के परम आश्रय में चरित्र भी बतलाइए। कह रहे हैं युगों का भेद क्या है, जो अलग अलग युग है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, इसका भेद क्या है और इसका परिमाण क्या है, इसका समय निश्चित क्या है, और धर्म और भगवान के जो भी विभिन्न अवतार हैं और उनका आश्चर्यमय चरित्र है, इसके बारे में भी आप क्या कीजिए, बताइए। तो ऐसा ही परीक्षित महाराज बहुत सारा प्रश्न कर रहे हैं। ये अध्याय में ही, पूरा अध्याय में ही प्रश्न किया गया है केवल, और ये सुखदेव गोस्वामी से कह रहे हैं। मनुष्यों के साधारण और विशेष धर्म कौन कौन से हैं, कह रहे हैं कि मनुष्य का साधारण धर्म और विशेष प्रकार से धर्म कौन कौन से हैं, इसके बारे में भी आप बताइए। विभिन्न व्यवसाय वाले लोगों के, राजर्षियों के और विपत्ति में पड़े हुए लोगों के धर्म भी उपदेश कीजिए। कह रहे हैं कि जो विभिन्न प्रकार के कारोबार में लगे हैं, बिजनेस व्यापार में लगे हैं, उनके लिए क्या धर्म है, जो राजा लोग हैं उनके लिए क्या धर्म है, या जो समझिए हर प्रकार से संकट और विपत्ति में पड़े हैं उनके लिए क्या धर्म है, इसके बारे में भी हमको उपदेश कीजिए। ये परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से ये प्रश्न कर रहे हैं। तत्वों की संख्या कितनी है, उनके स्वरूप और लक्षण क्या है, और जो तत्व है उनकी संख्या क्या है और उनका स्वरूप और लक्षण भी क्या कीजिए हमको बताइए। भगवान की आराधना की और आध्यात्म योग की विधि क्या है, और कह रहे हैं कि भगवान का आराधना किस प्रकार से करना चाहिए और योग साधन किस प्रकार से करना चाहिए, इसका विधि क्या है। योगेश्वरों को क्या क्या ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं तथा अंत में उन्हें कौन सी गति मिलती है, और कह रहे हैं कि जो योगेश्वर हैं हमेशा योग साधन में लगे रहते हैं, उनका क्या क्या ऐश्वर्य है और अंतिम समय में उनको कौन सी गति मिलती है, इसके बारे में भी हमको क्या कीजिए आप बताइए। योगियों का लिंग शरीर किस प्रकार भंग होता है, वेद, उपवेद, धर्मशास्त्र, इतिहास और पुराणों का स्वरूप एवं तात्पर्य क्या है, और कह रहे हैं कि जो योगियों का लिंग शरीर है ये किस प्रकार से भंग होता है, और जो वेद है, उपवेद है और धर्मशास्त्र है, इतिहास है, पुराण है, वास्तव में इसका तात्पर्य, वास्तव में इसका अर्थ क्या है, ये भी प्रश्न कर रहे हैं। समस्त प्राणियों की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय कैसे होती है, और कह रहे हैं कि जितने प्रकार के जीव है, प्राणी है, इन लोगों का कैसे उत्पत्ति होता है, कैसे पालन होता है और कैसे विनाश होता है, ये भी हमको बताइए। बावली, कुआं खुदवाना आदि, अस्मार्त, यज्ञ याग आदि वैदिक एवं काम्य कर्मों की तथा अर्थ धर्म काम के साधनों की विधि क्या है, कह रहे हैं बावली किसको, तालाब को बोला जाता है, और ये कुआं जैसा ही होता है लेकिन वो पतला होता है, बहुत गहरा होता है। अच्छा, तो ये बता रहे हैं कि बावली और कुआं खुदवाना और इमारत बनाना और यज्ञ आदि वैदिक यज्ञ करना और जो भी कर्मों की अर्थ धर्म से जो कामना किया जाता है, जो साधन किया जाता है, वो किस विधि से कैसे किया जाता है, जो भी ये कार्य किया जाता है, जो कि हम लोग सब पहले ज्यादातर गांव में क्या था, कुआं था, तो ऐसे ऐसे धार्मिक व्यक्ति होते थे कि जगह जगह पे कुआं खुदवा के रखते थे, तो इसका बहुत पुण्य है। तो वही कह रहे हैं कि किस विधि से ये सब खोदना चाहिए, उसकी विधि भी बताइए। प्रलय के समय जो जीव प्रकृति में लीन रहते हैं उनकी उत्पत्ति कैसे होती है,
और कह रहे हैं कि जब प्रलय हो जाता है तो सारा जीव ब्रह्मा जी के अंदर समाविष्ट हो जाते हैं और ब्रह्मा जी भी भगवान विष्णु के उदर में समा जाते हैं। तो कह रहे हैं उस प्रकार से जीव की उत्पत्ति कैसे होती है यह भी बताइए, पाखंड की उत्पत्ति कैसे होती है। और कह रहे हैं कि पाखंड का उत्पत्ति कैसे होता है, पाखंड का अर्थ होता है कि जो धर्म के आड़ में गलत करना, बाहरी चोला रहता है धर्म का और अंदर से सारा चीज गलत होता है तो उसको पाखंड कहा जाता है। तो कह रहे हैं कि ये पाखंड कैसे बढ़ता है, कैसे पाखंड आता है इसके बारे में भी बताइए। तो ये कलयुग में ज्यादातर क्या है, पाखंड है। इसीलिए जो व्यक्ति श्रीमद् भागवत भगवद गीता और रामायण को छोड़ के अलग चीज सुनेगा और देखेगा उसके अंदर कभी भी हमेशा संशय बना रहेगा, उसका संशय मुक्त नहीं हो सकता है, उसका हृदय स्थित नहीं हो सकता है। हृदय स्थित होने के लिए, मन स्थित होने के लिए श्रीमद् भागवत कथा संपूर्ण सुनना चाहिए और भगवद गीता और रामायण सुनना चाहिए। इसको छोड़ के अगर कोई व्यक्ति कोई भी साधन अपनाता है तो उससे उसका संशय दूर नहीं होता है। आत्मा के बध मोक्ष का स्वरूप क्या है और ये आत्मा कैसे बध जाता है और कैसे ये मोक्ष प्राप्त करता है, ये इसका स्वरूप क्या है यह भी बताइए। और वह अपने स्वरूप में किस प्रकार स्थित होता है, और वह अपने स्वरूप में किस प्रकार से स्थित होता है। भगवान तो परम स्वतंत्र हैं, वे अपनी माया से किस प्रकार क्रीड़ा करते हैं और उसे छोड़कर साक्षी के समान उदासीन कैसे हो जाते हैं। और कह रहे हैं कि भगवान जो हैं ये तो परम स्वतंत्र हैं, ये आजाद हैं, इनके ऊपर किसी का पाबंदी नहीं है। और कह रहे हैं कि ये अपनी माया के द्वारा किस प्रकार से क्रीड़ा करते हैं, खेलते हैं, और ये सारा माया को छोड़ करके और उदासीन रहते हैं, सब कुछ छोड़ के भी वो उदासीन रहते हैं, सच्चित आनंदमय रहते हैं। तो भगवान ही सृष्टि का रचना करते हैं और इसी का पालन करते हैं और इसी का संहार करते हैं, लेकिन इसमें आसक्त वो नहीं होते कि इसमें फंसते वो नहीं है। क्यों? क्योंकि वो स्वतंत्र हैं। भगवान मैं यह सब आपसे पूछ रहा हूँ, मैं आपकी शरण में हूँ। और कह रहे हैं परीक्षित महाराज सुत गोस्वामी को कि भगवान मैं आपसे पूछ रहा हूँ और मैं आपके शरण में हूँ, आप कृपा करके हमको बताइए। महामुने आप कृपा करके क्रमशः इनका तात्विक निरूपण कीजिए। इस विषय में आप स्वयंभू ब्रह्मा के समान परम प्रमाण हैं। कह रहे हैं कि आप कृपा करके क्रमशः जो तात्विक निरूपण है ये अच्छे प्रकार से हमको बताइए। और एक तरह से देखा जाए तो जो स्वयंभू हैं, ब्रह्मा जी हैं, उनके आप प्रमाण हैं। दूसरे लोग तो अपनी पूर्व परंपरा से सुनी सुनाई बातों का ही अनुष्ठान करते हैं। और कह रहे हैं कि जो दूसरे लोग हैं ये तो सुनी सुनाई बातें करते रहते हैं, लेकिन आप जो हैं ये गुरु परंपरा से पढ़े हुए हैं, सीखे हुए हैं, इसलिए आप अच्छे से बताइए। ब्रह्मन आप मेरी भूख प्यास की चिंता ना करें। और कह रहे हैं उस समय सुखदेव ये महाराज परीक्षित अनशन व्रत पे थे, आमरण व्रत लिए थे और वो 7 दिन अन्न जल ग्रहण नहीं किए थे। तो उसी समय बीच में एक दिन कहते हैं कथा सुनाते हुए सुखदेव गोस्वामी जी कि देखिए आप थोड़ा सा क्या कीजिए, आप जल या कुछ फल ले लीजिए और तब कथा सुनिए। तो वही कह रहे हैं परीक्षित महाराज कि आप मेरा चिंता मत कीजिए, हमको भूख प्यास नहीं लगा है, आप हमको ये भगवान का लीलामय कथा आप बताइए। मेरे प्राण कुपित ब्राह्मण के साप के अतिरिक्त और किसी कारण से निकल नहीं सकते, क्योंकि मैं आपके मुखार बिंद से निकलने वाली भगवान की अमृतमयी लीला कथा का पान कर रहा हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे।
हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। परीक्षित महाराज कह रहे हैं कि देखिए हमारा प्राण ऐसे नहीं निकल सकता है, जो ब्राह्मण का लड़का हमको श्राप दिया है उसके अतिरिक्त और कोई साधन से हमारा प्राण नहीं निकलेगा। और बात यह है कि आप जो हमको भगवान श्री कृष्ण का बहुत ही मधुर अमृतमय लीला कथा सुना रहे हैं, तो ये अमृतमय लीला कथा का मैं पान कर रहा हूँ तो मेरी मृत्यु नहीं हो सकती। सूत जी कहते हैं सौनक आदि ऋषियों, जब राजा परीक्षित ने संतों की सभा में भगवान की लीला कथा सुनने के लिए इस प्रकार प्रार्थना की तब सुखदेव जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। और ये कथा जो हम लोग सुन रहे हैं कहाँ चल रहा है, तो नैमिषारण्य वन में। नैमिषारण्य वन में सूत गोस्वामी जी 88,000 ऋषि मुनि को श्रीमद् भागवत कथा सुना रहे हैं। और वहीं पे जो उसमें श्रेष्ठ हैं सौनक ऋषि, वो प्रश्न करते हैं और उनके प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहते हैं कि यही प्रश्न एक बार ये परीक्षित महाराज सुखदेव जी से किए थे, वही मैं आपको सुनाता हूँ ऐसा कह करके। और ये सूत गोस्वामी जी ये श्रीमद् भागवत कथा सुनाते हैं। तो कह रहे हैं कि जब ये प्रश्न सुने, जब ऐसा सूत गोस्वामी जी सुने सौनक ऋषि से, तो कहते हैं सूत गोस्वामी जी कि जब राजा परीक्षित ने संतों की सभा में, वहां पे बड़े बड़े ऋषि मुनि सभी लोग आए थे, तो कह रहे हैं कि जब संतों की सभा में भगवान का लीला कथा सुनने के लिए जब इस प्रकार सुखदेव गोस्वामी से वो प्रार्थना किए कि आप हमको भगवान का लीला कथा अमृत का पान कराइए, तो सुखदेव गोस्वामी जी बहुत खुश हुए। उन्होंने उन्हें वही वेद तुल्य श्रीमद् भागवत पुराण सुनाया जो ब्रह्म कल्प के आरंभ में स्वयं भगवान ने ब्रह्मा जी को सुनाया था। पांडु वंश शिरोमणि परीक्षित ने उनसे जो जो प्रश्न किए थे वे उन सब का उत्तर क्रमशः देने लगे। और कह रहे हैं कि उन्होंने वही वेद तुल्य श्रीमद् भागवत पुराण सुनाया जो ब्रह्म कल्प के आरंभ में जब ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए तो उस समय भगवान ने ब्रह्मा जी को सुनाया था। जो भगवान ब्रह्मा जी को सुनाए वही क्या है, श्रीमद् भागवत है। तो कह रहे हैं कि वो जो कथा भगवान ब्रह्मा जी को सुनाए थे वही मैं आपको सुना रहा हूँ। कौन कह रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी जी। और इस प्रकार से कह रहे हैं कि जो पांडु शिरोमणि परीक्षित महाराज हैं, जो जो प्रश्न किए उनका उत्तर अब एक लाइन से ये सुखदेव गोस्वामी अब देना शुरू कर रहे हैं। तो ये अध्याय यहीं पे समाप्त होता है, आठवां। अब अध्याय शुरू होगा, नौवां अध्याय है। और अध्याय का नाम है ब्रह्मा जी का भगवत धाम दर्शन और भगवान के द्वारा उन्हें चतुश्लोकी भागवत उपदेश। कह रहे हैं कि भगवान का दर्शन ब्रह्मा जी कैसे किए और भगवान को चार ही श्लोक में श्रीमद् भागवत कैसे भगवान दिए, तो ये अध्याय में बताया जाएगा। सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, जैसे स्वप्न में देखे जाने वाले पदार्थों के साथ उसे देखने वाले का कोई संबंध नहीं होता, वैसे ही देह आदि से अतीत अनुभव स्वरूप आत्मा का माया के बिना दृश्य पदार्थों के साथ कोई संबंध नहीं हो सकता। कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी जी अब प्रश्न का उत्तर देते हुए, कह रहे हैं कि जिस प्रकार से कोई व्यक्ति सपना देखता है और सपने में उसको धन संपत्ति या बहुत खुशी मिलती है लेकिन उठता है तो कुछ नहीं रहता है, तो कह रहा है कि उसी प्रकार से ये जो आत्मा है, ये इसको जो ये भौतिक शरीर मिलता है इससे इसका कोई संबंध नहीं रहता है, ये माया से कोई संबंध नहीं रहता है और ये अदृश्य है, दिखाई देने वाला नहीं है। तो ये इसी प्रकार से है जिस प्रकार से कि कपड़ा के बिना धागा रह सकता है लेकिन धागा के बिना कपड़ा
नहीं रह सकता है, वैसे ही ये शरीर के बिना आत्मा रह सकता है लेकिन आत्मा के बिना शरीर नहीं रह सकता है। अगर इस शरीर में आत्मा नहीं है तो इस शरीर का कोई महत्व नहीं है। लेकिन हम सब ज्यादातर शरीर को ही महत्व देते हैं, शरीर को ही हर तरह से सुख सुविधा देते हैं, लेकिन हम सबको ये ध्यान ही नहीं है कि शरीर को जो चला रहा है उसका भी हमको ध्यान रखना चाहिए। तो इसीलिए शास्त्रों में बताया गया है कि जो आत्मा है ये कभी भी न अस्त्र शस्त्र से उसको काटा जा सकता है, न आग द्वारा जलाया जा सकता है, न पानी द्वारा भिगोया जा सकता है, न हवा द्वारा सुखाया जा सकता है, वो क्या है, सत्य है। तो हम जो भी है ये क्या है, हम सब सत्य हैं, लेकिन कर्मों के हिसाब से ये बाहरी कपड़ा मिल गया है शरीर। जिस प्रकार से शरीर एक ही रहता है लेकिन जब पुराना कपड़ा हो जाता है तो जैसे उस पुराने कपड़े को फेंक करके नया कपड़ा आदमी पहनता है, उसी प्रकार से जब शरीर बेकार हो जाता है तो इस शरीर को आत्मा छोड़ देती है और नया शरीर धारण करती है। तो किस हिसाब से, तो उसके कर्मों के आधार पर। अगर हमारे कर्म इस जीवन में जो हम सबको जीवन मिला है, अगर हमारा कर्म अच्छा रहता है तो शरीर भी कैसा मिलता है, अच्छा मिलता है, और जब हमारा कर्म जब हर प्रकार से गलत रहता है तो शरीर भी वैसा ही मिल जाता है। तो ये जो यहाँ पे हम सब आए हैं, बताया जाता है कि और जो भी योनि है, पशु है, पक्षी है, जानवर है, इसमें केवल भोगना पड़ता है, नया कर्म नहीं बनता है, लेकिन ये मनुष्य शरीर ही एक ऐसा शरीर है कि जो यहाँ से नया कर्म तैयार होता है। तो अगर हम जैसा कर्म करेंगे वैसा ही, बताया जाता है कि जैसे हम फसल बोएंगे वैसा ही फसल हम काटेंगे। अगर मान लीजिए बबूल का पेड़ लगा दिया जाए तो आम आएगा। तो इसी प्रकार हम सबको हमेशा सचेत रहना है कि बहुत ही ये समय खतरनाक चल रहा है और इस युग का नाम है क्या है, नाम है कलयुग। और भगवत गीता में भगवान बताते हैं कि कलयुग का पूरा उम्र है 4,32,000 साल। तो समझिए केवल 5,500 साल निकला है तो ये दुर्दशा है, और दिन पे दिन ऐसा दुर्दशा होता ही जा रहा है। तो इसलिए कलयुग से बचना है तो हम सबको भगवान के शरण में जाना पड़ेगा। भगवान के शरण में नहीं जाएंगे तो फिर हम सबको भारी कष्ट उठाना पड़ेगा। और ये भगवान भगवत गीता में स्पष्ट कहते हैं कि जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर् ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद परिहारे अर्थे न तुम सोची तुमरहसि। कहते हैं जिसने जन्म लिया है उसका मृत्यु निश्चित है, और मृत्यु के बाद से पुनर्जन्म भी निश्चित है। तो आखिरकार हम जान गए, जब भगवान ये खुद कह रहे हैं भगवत गीता में कि जो जन्म लिया है वो मरेगा और मरने के बाद फिर से उसका जन्म होगा। तो जन्म होगा तो हमने इस जीवन में कैसा कर्म किया उसी के आधार पे हमको जीवन मिलेगा। तो इसलिए हम सबको सचेत होकर के और अपने कर्मों को अच्छा से करना है, और अपने जीवन में माता पिता को कभी भी छोड़ना नहीं है। शास्त्रों में बताया गया है मन से, वचन से और कर्म से माता पिता को कष्ट नहीं देना चाहिए। मन में भी माता पिता के प्रति गलत नहीं सोचना चाहिए, और वाणी से कुछ ऐसा बोल के भी उनको तकलीफ नहीं देना चाहिए, और शरीर से। आज तो समाज में व्यक्ति अपने माता पिता को मार पीट देता है, तो इस प्रकार से शरीर से भी तकलीफ नहीं देना चाहिए। तो हम सब ये देखते हैं कि आखिरकार जो हमारा ये सब शरीर मिला है हम लोगों को, तो इस शरीर का हम कैसे उपयोग कर रहे हैं। तो एक हितो उपनिषद है, उसमें बताया गया है कि मनुष्य में और जानवर में क्या अंतर है। तो कहते हैं उसमें कि आहार निद्रा भय मैथुनम च समान मेतद पशु भी नारायणम। जो खाना खाने का कार्य है ये जानवर भी करता है और आदमी भी करता है, और सोने का काम जानवर भी करता है और आदमी भी करता है, और किसी से डरना आदमी भी डरता है और जानवर भी डरता है, और स्त्री संग और बच्चा पैदा करना ये जानवर भी करता है और आदमी भी करता है। तो जानवर भी वही चार चीज मुख्य कर रहा है और मनुष्य भी वही कर रहा है, तो हम मनुष्य होके क्या लाभ। तो अगले लाइन में बताया जा रहा है कि धर्मो ही तेसाम अधिको विशेष हो। मनुष्य में एक धर्म विशेष है, मनुष्य धर्म का पालन कर सकता है लेकिन जानवर धर्म का पालन नहीं कर सकता है।
मनुष्य भगवान का कथा सुन सकता है, भगवान का नाम ले सकता है, भगवान के धामों का तीर्थाटन कर सकता है, लेकिन ये पांचवा कार्य जो है ये जानवर नहीं कर सकता है। अगर ये पांचवा कार्य मनुष्य नहीं करता है तो कह रहे हैं कि धर्मेण हीना पशु भी समाना। अगर मनुष्य व्यक्ति धर्म से अगर हीन है, धर्म का पालन नहीं करता है, तो पशु के ही समान है, कोई अंतर नहीं है। तो इसलिए खास करके कलयुग में भक्ति का आसान रास्ता बताया गया है कि भगवान का नाम लेना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और जिस प्रकार से बताया गया है कि चार युग है, चारों युगों में अलग अलग साधन थे भक्ति के। सतयुग में था ध्यान करना, त्रेता में था यज्ञ करना, द्वापर में था बड़े बड़े मंदिरों में पूजा अर्चना करना, सोना चांदी चढ़ाया जाता था भगवान की प्रसन्नता के लिए। लेकिन कलयुग में है भगवान का नाम लेना। ये नाम है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जो 16 अक्षर का नाम है ये कलि संतरण उपनिषद में है कि जो कलयुग के जीवों को जो तार दे वही मंत्र उपयुक्त है। तो नारद जी ब्रह्मा जी से कहते हैं कि हे पिताजी, इस कलयुग में जो जीव है उसका उद्धार कैसे होगा? तो ब्रह्मा जी कहते हैं नाम लेते हुए कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर एक श्लोक में बताते हैं कि इति षोड सकम नाम नाम कलि कलमस नाशनम नात परत रहो सर्व वेदेशु दृश्यते। कहते हैं कि सारे वेद शास्त्रों में मैं दृष्टि डाला, लेकिन इसके अलावा और कोई उपाय हमको नहीं दिखता है। किसके अलावा? केवल नाम के अलावा। तो इसलिए हम सब घर परिवार में हो, नौकरी में हो, बिजनेस व्यापार में हो, या बीमार हो या स्वस्थ हो, किसी भी अवस्था में हो, भगवान का ये नाम अपने जीवन में कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। कम से कम नहीं हो सके तो सुबह में स्नान करके 2-5 मिनट बैठ करके ये नाम लेना चाहिए। तो हम कुछ भी भक्ति का साधन नहीं करते हैं, नाम लेते हैं, भगवान का कथा सुनते हैं, तो समझना चाहिए कि हम भक्ति कर रहे हैं। और ये कलयुग खास करके चार चीजों में रहता है, ये परीक्षित महाराज इसको जगह दिए हैं। जो सबसे पहला है कि पशु हिंसा मांसाहार। तो ये बताया गया है कि जो कलयुग है ये मांसाहार में रहता है, और किसी प्रकार का नशा, जो भी बीड़ी सुरती पान गुटखा सिगरेट शराब, ये सब में कलयुग रहता है। और जुआ ना खेलना, जो जुआ है उसमें भी कलयुग रहता है। और अवैध संबंध, अपनी पत्नी को छोड़ के जो संबंध बनाता है तो उसके ऊपर कलयुग सवार हो जाता है। तो इस कलयुग में भगवान का नाम लेते हुए चार चीजों से बचना चाहिए। मांसाहार नहीं करना चाहिए, किसी प्रकार का नशा नहीं करना चाहिए, जुआ नहीं खेलना चाहिए, और वेश्यावृत्ति। और इस चारों में से कोई भी व्यक्ति उसके अंदर ये रहता है तो उसकी बुद्धि को क्या करता है? कलयुग घुमा देता है, क्योंकि वो उसी चारों चीजों में रहता ही है। तो इसलिए देखिए, आज हम सबके घर परिवार में सुख शांति है, हम सब कभी भी ये ध्यान नहीं देते हैं कि हम सबको खाना क्या है, पीना क्या है। तो वैसे ही बताया गया है कि आदमी जैसा खाएगा अन्न वैसा होगा मन, जैसा रहेगा आहार वैसा रहेगा व्यवहार। तो ये अन्न से भी हम सब क्यों? क्योंकि हम सब मनुष्य हैं, हम सबको भगवान विशेष बुद्धि दिए हैं, खाने पीने के मामले में हम सब सोच सकते हैं, लेकिन ये जानवर नहीं सोच सकता है। बताया जाता है कि अगर कोई पशु है, गाय बैल या भैंस है, उसमें उसका मूत्र लग जाता है तो वो नहीं खाता है। अगर मांस का टुकड़ा उसमें चला जाता है तो कई दिन तक वो घास नहीं खाता है। तो जबकि पशु है, लेकिन हम लोग क्या हैं? हम लोग मनुष्य हैं, हम सब कहते हैं कि सब चल जाता है, कोई बात नहीं है। तो हम सब की बुद्धि कितना निम्न हो गई है, कितना नीचे गिर गया है। तो हम सब कारण यही है कि जो भगवान उपदेश दिए हैं उसको हम कभी सुने नहीं हैं। जिस प्रकार से बताया जाता है कि मोबाइल को चलाने के लिए मोबाइल के साथ एक किताब मिलता है, तो उस हिसाब से जब मोबाइल चलता है तो खराब नहीं होता है, वैसे ही जो कंपनी बनाया है मोबाइल को वही वो किताब भी बनाता है। तो
तो वैसे ही भगवान ने जगत को बनाए हैं और मनुष्य जीव को बनाए हैं, तो इसके लिए भी किताब बनाए हैं। वो किताब है भगवत गीता और भागवत और रामायण। तो ये किताब जब व्यक्ति नहीं पढ़ता है, नहीं सुनता है, तो वैसे ही हम सबका जीवन भी खराब हो जाता है। हम सब जीवन में कैसे कार्य करना चाहिए, कैसे व्यवहार करना चाहिए, क्या खाना पीना चाहिए, हम सबको इसका ज्ञान नहीं रहता है। इसलिए प्रयत्न करके, कोशिश करके, ये सब हम सबको सुनना बहुत जरूरी है। भगवद गीता और भागवतम सुनना बहुत जरूरी है। तो इसलिए चार चीजों से बचना चाहिए और भगवान का भक्ति करना चाहिए। तो हम सबका समझना चाहिए कि मनुष्य शरीर मिला है तो हम उसका कार्य कर रहे हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी खुद कहते हैं कि जो मुख राम नाम नहीं आवा उसको ब्रह्मा व्यर्थ बनावा। कहते हैं कि जो मनुष्य भगवान का नाम नहीं लेता है तो ब्रह्मा जी भी पछताते हैं, कहते हैं कि झूठ मूठ का इसको मनुष्य का शरीर दे दिया, इसको तो पशु पक्षियों में दे देना चाहिए। तो इस तरह से हम सबको खास करके ध्यान रखना है कि हम सब क्या है, मनुष्य है, और 84 लाख में हम श्रेष्ठ हैं। 84 लाख जीव है, जल में रहने वाले 9 लाख प्रकार के हैं, और जो नाली वगैरह में कीड़े वगैरह रहते हैं ये रेंगने वाले भी, ये 11 लाख प्रकार के हैं, और जो पेड़ है ये है 20 लाख प्रकार के, इनका प्रजाति है, इस प्रकार से नस्ल है। পশু বা বিংশ লক্ষণী 20 লক্ষ বার পশু আর 300 লক্ষণী স্থাবর গাছপালা পেড় 30 লাখ বার। তো ইস প্রকার সে ওর যে পশু হো ক্যা হিস লাখ প্রকার কা হ্যাঁ, যে পক্ষী হুসা নস্ল কতনা হ্যাঁ 10 লাখ প্রকার কা, আর মনুষ্যো কা 4 লাখ। मनुष्य का नस्ल जिस प्रकार से एक गाय का एक नस्ल होता है, वैसे ही अलग अलग गायों में नस्ल है, वैसे ही मनुष्यों का 4 लाख प्रकार का नस्ल है। तो ये 84 लाख जो जीव है इसमें सबसे श्रेष्ठ है मनुष्य। तो श्रेष्ठ किस लिए बनाया गया है, क्योंकि भगवान कुछ विशेष बुद्धि दिए हैं, कुछ विशेष कार्य सौंपे हैं, कुछ विशेष जिम्मेदारी दिए हैं, तभी तो विशेष शरीर दिए हैं, नहीं तो दूसरा शरीर नहीं दे सकते थे। तो इसलिए हम समझना चाहिए हम सबको, जो भी राजा है या नेता है उसका सेवा करने के लिए हर कोई सेवा नहीं कर सकता है, चुना जाता है। उसी प्रकार से हम सबको सोचना चाहिए कि समझिए इतना बड़ा, इतना कितने हजार ये इसमें आदमी होंगे, तो हम सबको समझना चाहिए कि हम लोगों को भगवान चुने हैं अपनी सेवा के लिए। किसका सेवा के लिए, अपनी सेवा के लिए, नहीं तो इसमें कितने हजारों आदमी है लेकिन कितने इसमें यहाँ पे भागवत कथा, भगवान का कथा सुन रहे हैं। तो ये ध्यान देना है कि भगवान ने हमको अपनी सेवा के लिए चुना है, और कितना हम सबका सौभाग्य है। तो उसी प्रकार से बताया जाता है कि सेवा तो सब कोई करता है, कोई माता पिता का सेवा कर रहा है, बच्चे लोग अपना माता पिता का सेवा करते हैं, माता पिता बच्चों का सेवा करते हैं, कोई देश और समाज का सेवा कर रहा है, और कोई पशु का सेवा कर रहा है, और किसी के पास कुछ नहीं है तो कुत्ता बिल्ली का सेवा कर रहा है। लेकिन वास्तव में जो असली सेवा है भगवान श्री कृष्ण का सेवा, वो सब हम कर ही नहीं रहे हैं। तो इसलिए जो सर्वोत्तम सेवा है भगवान श्री कृष्ण की सेवा, ये हम सबको करना अनिवार्य है। और सेवा का आसान रास्ता है कि भगवान का कथा सुनना, सबसे बड़ा सेवा है भगवान का कथा सुनना। तो इस प्रकार से हम सब अपने जीवन को जीवन भर जब तक सांस चले तब तक भगवान का नाम और कथा नहीं छोड़ना चाहिए। तो सेवा हम सब कर रहे हैं, लेकिन वो सेवा कैसे हो, किस प्रकार से हो, इसका हम सबको मालूम नहीं पड़ता है। इसलिए हम सब मेहनत बहुत करते हैं लेकिन उसका फल नहीं मिल पाता है, क्योंकि जो सेवा है वो अच्छा से नहीं हो पाता है। कहाँ तक पहुंचे थे प्रभु जी? अध्याय खत्म हो गया था, 9वां अध्याय शुरू हुआ।
तो विविध रूप वाली माया के कारण वह विविध रूप वाला प्रतीत होता है और जब उसके गुणों में रम जाता है तब यह मैं हूँ, यह मेरा है, इस प्रकार मानने लगता है। और देखिए हम सब थोड़ा सा समय में ये शास्त्र जो क्या है अनंत है, थोड़ा सा समय में हम सब ये बातें नहीं समझ सकते हैं। तो हम सब जब निरंतर आते रहेंगे हफ्ता में दो दिन तीन दिन भी, तो हम सबको ये ज्ञान आता रहेगा, इसमें मिलता रहेगा, तो हम सबको अच्छे से समझ में आता है। बहुत सारी बातें हैं जो बहुत कम समय में नहीं हो सकता है। तो कह रहा है कि जो भगवान की बनाई हुई विविध रूप वाली माया है, ये विविध रूपों में प्रतीत होता है, देखने में आता है, और जब उसके गुणों में कोई रम जाता है, माया के गुण में जो रम जाता है, वह क्या समझने लगता है कि यह मैं हूं और यह मेरा है, इस प्रकार से वो मानने लगता है। तो ये जो मैं हूं और मेरा है क्या है, माया है। और माया का अर्थ हम लोग कल सुने थे, जो नहीं है वही माया है। जो कुछ व्यक्ति दिखता है और जब मृत्यु हो जाती है तो नहीं दिखता है, तो जो नहीं है वही माया है। किंतु जब यह गुणों को क्षुब्ध करने वाले काल और मोह उत्पन्न करने वाली माया इन दोनों से परे अपने अनंत स्वरूप में मोह रहित होकर रमण करने लगता है, आत्मा राम हो जाता है, तब यह मैं और मेरा का भाव छोड़कर पूर्ण उदासीन गुणातीत हो जाता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कह रहे हैं कि इस प्रकार से जब हरे कृष्ण प्रभु जी, दो मिनट में बस, जब गुणों से क्षुब्ध होकर और मोह उसको उत्पन्न होता है, तो जब ये भगवान की लीला कथा सुनता है, भगवान का भक्ति भजन करता है, और जब इसको ज्ञान हो जाता है, तो यह अपने आप में ही रमण करता है, यह आत्मानंद हो जाता है, आत्मा राम हो जाता है, और यह मैं हूं और ये मेरा है, इसका उसके अंदर से क्या हो जाता है, निकल जाता है, और वो तीन गुणों से ऊपर हो जाता है, सतो गुण, रजो गुण और तमो गुण से भी ऊपर हो जाता है। तो यही ज्ञान हम सबको समझना है कि ये हमारा शरीर है, हमारे घर वाले हैं, और जो भी हम सब जीवन भर परिश्रम कर रहे हैं, इसका आखिर में वास्तव लाभ क्या मिलेगा। तो वैसे बताया जाता है कि हम सब दिन रात जिस टेंशन में और चिंता में हमेशा लगे रहते हैं, और आखिरकार उसी चिंता में ये शरीर भी छूट जाता है और मिलता कुछ भी नहीं है। आदमी का जो भी लालसा और इच्छा रहता है वैसे के वैसे ही छोड़ करके चला जाता है। तो इसलिए ये ध्यान देना है कि यही शरीर जब मेहनत करके घर वालों को देता है, लेकिन जब इसी शरीर के अंदर से आत्मा निकल जाता है, तो कोई व्यक्ति ये नहीं कहता है कि इन्होंने जमीन बहुत खरीदे हैं, घर बनाए हैं, इनको दो चार दिन दस दिन रखा जाए, तुरंत ही जला दिया जाता है। और बताया जाता है कि ये शरीर का तीन ही गति है, इसको गाड़ देने पे कीड़े पड़ जाते हैं, और इसको जला देने पे राख हो जाता है, और कोई पशु खा लेता है तो मल बन जाता है। तो इसी शरीर का ये गति है और इसी शरीर पे हम सब इतना अभिमान करते हैं, जबकि ये अपने हक में भी नहीं है, ये अपने आप ही मिला है और अपने आप ही ये चला जाता है। तो इसलिए शरीर तभी सही माना जाता है कि जब ये शरीर से भगवान का भजन भक्ति किया जाए, भगवान का कथा सुना जाए और भगवान का नाम लिया जाए। तो अपने घर परिवार में कम से कम तीन शास्त्र रखना अनिवार्य है, भगवद गीता, भागवतम और रामायण। ये तीन शास्त्र रखने से भूत प्रेत का साया नहीं रहता है, और ग्रह नक्षत्र जो खराब चलते हैं वो ठीक हो जाते हैं। और जो व्यक्ति तुलसी पौधा लगाता है, तो उसमें जितना डाली पत्ता फल फूल लगता है, उतने जन्मों का पाप नष्ट होता है। और तुलसी जी को सूर्योदय से पहले स्नान करके और जल देने से व्यक्ति निरोग रहता है और पापों से मुक्त होता है। तो हम अपने घर में भी ये साधन कर सकते हैं, और भगवान की भक्ति के लिए कम से कम भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का फोटो रखना चाहिए,
और कम से कम एक गिलास पानी और उसमें एक तुलसी पत्ता डाल के भगवान को चढ़ाना चाहिए, क्योंकि भगवत गीता में भगवान बताते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तो हम कोई श्रद्धा और भक्ति से, श्रद्धा और भक्ति भाव से अगर हमको एक तुलसी पत्ता, एक फूल, एक फल या थोड़ा सा जल देता है तो हम उसको स्वीकार करते हैं। तो उनका ही दिया हुआ चीज उनको क्या करना है, अर्पण करना है, लेकिन प्रेम और भाव से। प्रेम और भाव नहीं रहेगा तो भगवान कहते हैं कितना भी प्रकार का व्यंजन रखा जाए लेकिन अगर वो प्रेम और भाव से नहीं रखा जाता है तो हम उसके तरफ देखते भी नहीं हैं। तो इसलिए खास करके हम सबको इतना साधन अपने जीवन में अपनाना चाहिए। और देखिए यहाँ से हम सब कुछ भी भूल जाएं लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए जो 16 अक्षर का नाम है। हम यहाँ से कुछ भी भूल करके चले जाएं लेकिन ये जो 16 अक्षर का नाम है ये हमारे जीवन में कभी भी नहीं भूलना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री श्री भागवतम ग्रंथ राज महाराज की, श्री चैतन्य महाप्रभु की, श्रील प्रभुपाद की, श्रील गुरुदेव की, समेत भक्त वृंद की, निताय गौर प्रेमानंद। तो प्रभु जी किसी का कुछ प्रश्न है, कुछ संशय है या कुछ कहना चाहते हैं? कुछ पूछना हो या कुछ कहना हो तो कहिए, बताइए। और ये भी कोई भक्त बता सकते हैं अगर जिनको जो समस्या है, तो सभी भक्त मिलके भगवान से प्रार्थना करते हैं तो समस्या भी टलता है। तो किसी को कुछ परेशानी है घर में, रिश्तेदारी में, तो बताइए, हम सब भगवान से प्रार्थना किया जाएगा। तो ठीक है, वो प्रभु जी का भी थोड़ा तबीयत खराब चल रहा है उनके लिए, और ये प्रभु जी का भी तबीयत खराब चल रहा है इनके लिए भी हम लोग भगवान से प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी रोज ही कर लिया करो, इधर बैठते हैं ना तो भगवान से रोज ही अरदास कर लिया करिए, क्योंकि अरदास करेंगे, अर्ज करेंगे तो तभी भगवान को मालूम होगा, नहीं तो घर बैठे तो फिर। और प्रभु जी सेवा, उनका नाम क्या है? कौन कौन प्रभु जी हैं? हाथ टाइप प्रभु, तो वो नेपाल प्रभु जी हैं। और कौन प्रभु जी हैं? अच्छा, तो वो प्रभु जी सभी भक्तों के लिए दही चिवड़ा और फल का प्रसाद रखे हैं। तो यहाँ से जब ये प्रोग्राम खत्म होगा तो सभी भक्त उधर बैठेंगे, प्रसाद लेंगे। तो देखिए, बहुत ये एक प्रकार से वो प्रभु जी यज्ञ कर रहे हैं, और ये किस लिए? भगवान की प्रसन्नता के लिए। तो हम सब भी ऐसा कर सकते हैं, इसमें कम से कम हम सब का जो पैसा जाता है तो पैसा क्या होता है? शुद्ध होता है। तो इस पैसे से हम सब अपने मेहनत से जो कमाते हैं तो वो तो इधर उधर चला जाता है, बीमारी में, खाने पीने में, लेकिन ये जो धर्म का कार्य हो जाता है ये अच्छा हो जाता है। तो प्रभु जी बहुत श्रद्धा और भक्ति से भगवान के सेवा के लिए प्रसाद रखे हैं, तो उनके घर परिवार के स्वास्थ्य के लिए और उनके लिए हम लोग भगवान से प्रार्थना करेंगे और वो भक्ति में आगे बढ़ते रहें। और सभी भक्तों के घर परिवार के स्वास्थ्य के लिए हम लोग भगवान से प्रार्थना करेंगे, सबका स्वास्थ्य ठीक रहे। और उनके लिए भी प्रार्थना किया जाएगा जिनको भगवान का नाम नहीं मिल रहा है, उनको भी भगवान का नाम मिले। हम लोग भगवान से 5 बार प्रार्थना करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण महामंत्र की जय।
हरे कृष्ण महासंकीर्तन यज्ञ की जय। कलिनाम पावन संकीर्तन यज्ञ की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील गुरुदेव की जय। आज की सत्संग की जय। सभी भक्तों की जय। निताई गौर प्रेमानंद वंशा कल्पत रुभ्यश्च कृपा सिंधु भ्येव च पतितानाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि भक्त वैष्णव वृंद की निताई गौर प्रेमानंद। तो हरे कृष्णा प्रभु जी, अब सभी भक्त लोग चलिए प्रसाद ले लीजिए, ठीक है।